हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉर्जियस गर्ल्स। आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीकेंड स्पेशल रेसिपी जो है सोयाबीन चिली। गाइस, इस लॉकडाउन की वजह से हमारा होटलिंग वगैरह सब कुछ बंद है और हमें कभी कभी बाहर की डिशेस खाने की बहुत इच्छा होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज सोयाबीन चिली बनाई जाए। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम देखते हैं कि हमें सोयाबीन चिली के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सो पहले हम लेंगे ये सोयाबीन चंक्स, ओनियन, लहसुन, शिमला मिर्च, ये हरा प्याज, हरी मिर्च, टोमेटो केचप, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, शेजवान सॉस, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कॉर्नफ्लोर, मैदा, कुकिंग ऑयल और ये ब्लैक पेपर पाउडर। गाइस, मैंने इनका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो गाइस, पहले हम सोयाबीन चंक्स को बॉईल कर लेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पे वाटर बॉईल करने के लिए रख दिया है। अभी मैं उसमें सोयाबीन चंक्स तब डालूंगी जब ये वाटर अच्छे से बॉईल हो जाएगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये वाटर बॉईल हो चुका है। अभी मैं इसमें सोयाबीन चंक्स डाल दूंगी। और गाइस, अभी मैं सोयाबीन चंक्स इसमें 10-20 सेकंड के लिए रख दूंगी ऐसे ही। सो गाइस, अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी और गाइस अभी मैं इसको पानी सोक करने के लिए 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो गाइस, अभी अच्छे से सोक हो गए हैं। अभी मैं इन्हें हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में ट्रांसफर करूंगी ताकि जब हम इन्हें निचोड़े तो हमें आसानी हो। गाइस, ये करते वक्त बी वेरी केयरफुल। सो गाइस, अभी हमने ये ट्रांसफर कर लिए हैं। अभी हम इन्हें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर कोल्ड वाटर में ऐसे ही छोड़ देंगे। सो गाइस, अभी ये ठंडा हो गया है। अभी हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका मैक्स टू मैक्स वाटर निकल जाए। गाइस, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वाटर निकालना है इसमें से। सो गाइस, अभी हमें ये सोया चंक्स फ्राई करने हैं। उसके लिए हम इसे अच्छे से कॉर्नफ्लावर और मैदे से कोटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें सोया चंक्स लेके इसमें हम हाफ कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ये मैदा, हाफ स्पून ये लाल मिर्च पाउडर, 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ स्पून डार्क सोया सॉस। सो नाउ गाइस, वी विल मिक्स इट प्रॉपरली। सो गाइस, अभी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, अभी मैंने ये तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी। सो गाइस, अभी ये तेल गरम हो गया है। अभी मैं इसमें थोड़े से सोया चंक्स डालूंगी। गाइस, हम इसे डालते ही इसे अलग अलग करेंगे ताकि ये चिपक ना जाए। गाइज, एज यू कैन सी, ये भी हो रहे हैं। अभी हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। गाइज, अभी ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं इन्हें निकाल लूंगी। गाइज, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेंगे।
सो गाइज अभी हम इसका सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने पहले ऑयल हीट करने के लिए रख दिया है। गाइज आपको ये याद रखना है कि ऑयल हमें थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि हमने पहले ही सोया चंक्स फ्राई कर लिए थे। अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन। गाइज हमें 10 सेकंड तक ही पकाना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे प्याज, ये भी हमें क्रिस्पी होने तक ही पकानी है। गाइस हमें ये हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि चाइनीज हाई फ्लेम पे ही बनता है। अभी हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। गाइस हमें शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं पकानी है। गाइज एज यू कैन सी हाउ कलरफुल इट इज। उसमें हरी मिर्च और हरा प्याज ऐड करेंगे। हम ये हरा प्याज आधा ही डालेंगे, बाकी का हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें सारे सॉस डालेंगे। ग्रीन चिली सॉस 1/3 टीस्पून, शेजवान सॉस 1 टेबलस्पून, टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और विनेगर 1 टेबलस्पून। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस सॉल्ट डालते वक्त सॉस में हमेशा सॉल्ट होता है, तो बी केयरफुल। और सॉल्ट आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। सो गाइस अभी हम कॉर्नफ्लोर में वाटर डाल के उसको इस सॉस में डाल देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। गाइज आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। गाइज आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे ठीक हो गई है। अभी हम इसमें सोया चंक्स डालेंगे। गाइज अभी ये रेडी हो चुका है, अभी मैं इसे प्लेट में सर्व कर लूंगी। गाइज कैन यू सी हाउ यम्मी इट इज लुकिंग एंड इट इज ऑल्सो स्मेलिंग वेरी नाइस। अभी मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर लूंगी। सो गाइज देखा, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा इजीली बनती है। तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय।